गुड आफ्टरनून, आई सुमित चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड साइंस फार्मेसी भोपाल। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक फ्लूड एनर्जी मिल। फ्लूड एनर्जी मिल इज जनरली यूज्ड द मिल फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन। द टेबल ऑफ कंटेंट इज फ्लूड एनर्जी मिल इज प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन एंड सम वेरिएंट्स ऑफ फ्लूड एनर्जी मिल एंड अदर मिल। जनरली फ्लूड एनर्जी मिल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन एंड द बोथ प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल फॉर टू पार्टिकल साइज रिडक्शन वेयर द साइज रिडक्शन टेक प्लेस वाया हाई वेलोसिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स। There the some construction of fluid energy mill is generally fluid energy mill is consist of loop of pipe which has a diameter of 20 to 200 millimeter and the length of fluid energy mill the height is up to 2 meter. There are the several nozzle are fitted at the bottom of the pipe. Generally 2 to 6 grinding nozzle are present and a classifier is fitted at the product collection point. Normally compressed air is used for to suspend the particle. Here the diagrammatic representation of the fluid energy mill and the construction which show the nozzle where the compressed air is introduced into the fluid energy mill, fluid nozzle, venturi feeder where the particles which reduce the particle is entered in the part fluid energy mill, outlet and classifier which contains cyclone separator and air vane. Construction में fluid energy mill की मैं अगर मैं बात करूं तो fluid energy mill जो है वो work करती है दो principle पे। First one is impact and second one is attrition. Impact means the action of force of one object hitting by another, means जब भी किसी भी पार्टिकल की साइज को हम रिड्यूस करवाते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जब टकराते हैं दैट्स मीन्स द प्रिंसिपल इज अप्लाइड फॉर इम्पैक्ट। एक दूसरे से टकरा के जो पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं वहां पर इम्पैक्ट जनरेट होता है। एंड एट्रिशन मीन्स द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ मास बाय मूविंग अगेंस्ट इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी किसी भी दो पार्टिकल को लंबे समय तक एक दूसरे के साथ में हम घर्षण करवाते हैं तो उससे भी कुछ पार्टिकल की साइज जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, दैट्स कॉल्ड एट्रिशन। एंड द बोथ प्रिंसिपल इज आल्सो यूज्ड फॉर फ्लूइड एनर्जी मिल। कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फ्लूइड एनर्जी मिल अवेलेबल होती है। देयर आर द डिफरेंट साइज एंड शेप विच अवेलेबल इन मार्केट एंड इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री में अगर विजिट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर अगर हम फ्लूइड एनर्जी मिल अगर देखें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखती है। ये इंडस्ट्री में यूज होने वाली फ्लूइड एनर्जी मिल है जिसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन है, नोजल, लूप ऑफ पाइप, वेंचुरीमीटर, फीडर और कलेक्टिंग बैग वगैरह इसके अंदर में लगे हुए हैं। वर्किंग ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल, द एयर इज इंजेक्टेड at a very high pressure through nozzle at the bottom of the loop, compressed air of 600 kilopascal. 600 kilopascal तक की जो प्रेशर वाली एयर होती है जनरली हम जो नोजल बॉटम साइड में लगे हुए होते हैं उसकी हेल्प से जो लूप ऑफ पाइप होते हैं उनमें हम सस्पेंड करवाते हैं। जो मटेरियल होता है फीडर से, जब हम मटेरियल को इनलेट करवाते हैं, मटेरियल फीडर से इनलेट होने के बाद में जो नोजल की हेल्प से जो हाई प्रेशर की हाई वेलोसिटी की जो एयर होती है उसके साथ में मटेरियल आपस में बहुत तेजी से लूप ऑफ पाइप के अंदर में सस्पेंड होता है, घूमता है, जिसके कारण इम्पैक्ट और एट्रिशन जनरेट होता है और मटेरियल जो होते हैं वो बहुत अप टू 5 mm तक साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देयर आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द फ्लूइड एनर्जी मिल। This mill is suitable for the thermolabile substances because no heat is produced. अगर मैं बात करूँ fluid energy mill की तो fluid energy mill में
थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस को हम यूज करा सकते हैं स्मूथली, क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल एसेसरीज फिट नहीं है, कोई भी मोटर नहीं लगी हुई है जो कि हीट जनरेट करे। हम मटेरियल को सस्पेंड कराने के लिए और रिड्यूस करवाने के लिए कॉम्प्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अंदर के टेम्परेचर को बहुत कूल मेंटेन करके रखता है, जिससे हम जो थर्मोलेवाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जैसे कि विटामिन होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं और कुछ हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, उन्हें आसानी से हम फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर में पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करा सकते हैं। चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बहुत कम होते हैं टू अदर मिल, क्योंकि अंदर जो कोई सिर्फ लूपा पाइप होते हैं जो कि काफ़ी स्टेरिलाइज होते हैं और हर प्रोसेस के बाद में हम उसे क्लीन करते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ द प्रोडक्ट इज स्मॉलर व्हेन कंपेयर्ड टू अदर मेथड्स। बहुत सारी और भी दूसरी मेथड यूज करते हैं, हैमर मिल होती है, कटर मिल होती है, बॉल मिल होते हैं, उनके कंपेयर में फ्लूइड एनर्जी मिल सुटेबल होती है, क्योंकि ये पार्टिकल के साइज को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए फ्लूइड एनर्जी मिल को माइक्रोनाइजर भी बोलते हैं। देयर आर नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कंटामिनेशन के चांसेस बिल्कुल निल होते हैं, क्योंकि मशीन पूरे तरीके से पैक्ड होती है और अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कंटामिनेशन जनरेट नहीं होता, क्योंकि सारे जो पार्टिकल जो एसेसरीज होती हैं वो सब सेपरेट सेपरेट लगी हुई होती हैं। अंदर कलेक्टिंग बैग होता है सेपरेटली, साइक्लोन सेपरेटर होता है जिससे कि मटेरियल को हम सेफ हैंड से कलेक्ट करके और स्टोर तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। ऑक्सीजन और मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स, इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इंस्टेंट ऑफ नॉर्मल एयर। जनरली जो ऑक्सीजन है वो और जो मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, हम कंप्रेस्ड एयर के फॉर्म में केवल उन्हें यूज करवाते हैं। कोई भी ऐसी इनर्ट गैस वगैरह, कोई भी इस तरीके की कंटामिनेटेड गैस हम यूज नहीं कराते, जिससे कि हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी खराब हो। हियर आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड फाइबरस मटेरियल। बहुत सॉफ्ट मटेरियल अगर है तो फ्लूइड एनर्जी मिल को में हम उसको यूज नहीं करा सकते। अगर कुछ फाइबरस वाले मटेरियल है तो भी हम उसको फ्लूइड एनर्जी मिल में नहीं करा सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे, उसके लिए हम उसको शिफ्ट करते हैं कटर मिल की तरफ में। फ्लूइड एनर्जी मिल इज एक्सपेंसिव। फ्लूइड एनर्जी मिल एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि हम इसको रीअसेंबलिंग कर सकते हैं, सारे इसके जो पार्टिकल जो इसकी जो एसेसरीज है हम अलग से उसको रीअसेंबलिंग कर सकते हैं। इनमें नोजल को सेपरेट कर सकते हैं, लूपा पाइप को सेपरेट कर सकते हैं, हूपर को हम अलग सेपरेट कर सकते हैं, कलेक्टिंग बैग जो लगा हुआ होता है, साइक्लोन सेपरेटर, इन सारी चीज़ों को हम अलग वापस से रीअसेंबलिंग करके और क्लीन करके हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसी कारण से इसमें जो होता है मेंस पावर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है और इसीलिए यह एक्सपेंसिव होता है। ओके, थैंक यू।